हेलो एवरीवन, आई एम सीए विभूति नारंग। वेलकम टू आवर चैनल वी एन प्रैक्टिकल डेस्टिनेशन। इन टुडेज वीडियो आई बी डिस्कसिंग अबाउट द जीएसटीआर 3B टेबल्स, मीन्स द टेबल्स विच आर अपेयरिंग इन योर जीएसटीआर 3B रिटर्न। 3B रिटर्न फाइल करते टाइम में कुछ 6 टाइप्स के टेबल्स हैं जो कि वहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, और शुरू में किस टेबल में कौन सी इन्वॉइस या कौन सी वैल्यू रिगार्डिंग मैंने इस वीडियो को बनाया है। एक चीज जो समझते हैं, इस पूरे वीडियो में जो टेबल्स हैं वो जीएसटीआर 3B के मैं कवर करूंगी। देयर आर टोटल 6 टेबल्स विच आर देयर इन योर 3B रिटर्न। नाउ पहले इन 6 टेबल्स का ब्रीफ एक बार समझ लेते हैं। 6 टेबल्स में आपके पास 2 टेबल्स ऐसे होंगे जो आपकी सेल्स से रिलेटेड डिस्क्राइब करेंगे, 2 टेबल्स ऐसे होंगे जो आपके परचेजेस और ITC रिलेटेड डिस्क्रिप्शन होगा, 1 टेबल आपका ऐसा होगा जो इंटरेस्ट लेट फीस रिलेटेड होगा, एंड लास्ट टेबल जो एक होगा वो आपका पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड होगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक टेबल विच इज 3.1 इन योर GSTR 3B रिटर्न। सबसे पहला टेबल है टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाईज एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। ऊपर जो आपको दिख रहा है ये 3.1 टेबल है जो एक्चुअली आपकी साइट पे विजिबल होता है, जिसको क्लिक करने के बाद नीचे इस तरीके का टेबल आपके सामने आता है। तो फर्स्ट टेबल में आपको वो सप्लाईज के बारे में डिस्क्राइब करना होता है जो कि आपने इन योर करंट टैक्स पीरियड आउटवर्ड सप्लाईज कंडक्ट करी है। फर्स्ट टेबल, इस टेबल में जो सब पॉइंट्स है दैट इज 3.1A, वो कहता है सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आपने कोई भी टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज करी है उस टैक्स पीरियड में तो वो 3.1A में रिफ्लेक्ट करी जाएंगी, राइट। सेकेंड है 3.1B, जिसमें आपको दिखाना है एक्सपोर्ट आइदर ऑन बॉन्ड और LUT और विदाउट बॉन्ड और LUT। 3.1C में आपको दिखाने हैं निल रेटेड या एग्जेम्प्टेड सप्लाई अगर आपके यहाँ से कुछ कंडक्ट हुई है तो वो, और जो लास्ट है 3.1D, उसमें आपको गुड्स वो दिखाने हैं जिसपे आज तक GST लेवी नहीं हुआ, दैट इज नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल और डीजल। अब इस केस में एक चीज समझना, इस टेबल में जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो आपसे सबसे पहले वो टैक्सेबल वैल्यू पूछता है, उसके बाद उस टैक्सेबल वैल्यू पे आपने कितना कितना टैक्स चार्ज किया वो डिटेल आती है। अब क्योंकि 3.1A में जो है आपके पास टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो आपके पास जो होगा ना IGST, CGST, SGST एंड सेस, सारे के सारे टेबल्स एक्टिव हैं। बट जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो ध्यान से देखो, CGST और SGST वाला टेबल ब्लॉक्ड है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने पे ओनली IGST लेवी होता है और सेस वाला टेबल एक्टिव है। अगर आपकी निल रेटेड सप्लाई है या एग्जेम्प्टेड सप्लाई है तो आप देखो कोई भी टैक्स रिलेटेड टेबल जो है वो एक्टिव नहीं है। उसके अलावा अगर आपकी कोई रिवर्स चार्ज रिलेटेड सप्लाई है, मतलब अगर आपने आउटपुट दिया है ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस RCM पे, तब आपके पास सारे टैक्सेस एप्लीकेबल है। और 3.1E जो कि नॉन GST पे गुड्स था, उस केस में भी आपके पास कोई भी टैक्सेस का टेबल एक्टिव नहीं है। सो वन थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट इन दिस टेबल इज सेल्स में या सप्लाई के टाइम पे आपको टैक्सेबल वैल्यू भी दिखानी है और उस पर कितना टैक्स चार्ज किया वो भी दिखाना है। आई मेक यू रिवाइज वन अगेन। 3.1A में आपको टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, 3.1B में एक्सपोर्ट रिलेटेड चाहे ऑन बॉन्ड और LUT और विदाउट बॉन्ड और LUT, 3.1C में निल रेटेड एंड एक्सेम्प्टेड, 3.1D में योर रिवर्स चार्ज आउटपुट, एंड 3.1E में आपको GST जिन पे लेवी अब तक नहीं हुआ, दैट इज नॉन GST गुड्स या सर्विसेज, वो आपको यहाँ पे शो करना है। द नेक्स्ट टेबल इज 3.2 विच इज इंटरस्टेट सप्लाईज। Now the main table of this table says that of the supply shown in 3.1A, तो पिछले वाले टेबल में जो A part that is supply on taxable goods and services है, उसमें से अगर आपने कोई supply करी है to an unregistered person or to a composition taxable person or to an UIN holder,
तो इन तीनों में से अगर कोई भी सप्लाई हुई है विच इज टैक्सेबल बाय नेचर एंड इंटरस्टेट, इंटरस्टेट है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इंटरस्टेट है तो यहाँ पे उसको रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। तो 3.1 एंड 3.2 दोनों हमारी सप्लाई से रिलेटेड टेबल थी। नेक्स्ट टेबल है टेबल नंबर 4 विच इज एलिजिबल आईटीसी। एलिजिबल आईटीसी इस टेबल में आपका जो करंट टैक्स पीरियड का इनपुट रहता है ना वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। ये टेबल तीन पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट ए पार्ट में आपको करंट मंथ की इनपुट डिटेल्स, ओपनिंग क्रेडिट कोई भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट आपको नहीं करना होता है, सिर्फ करंट मंथ की जो आईटीसी की डिटेल्स है वो यहाँ पे शो करनी है। आइदर द आईटीसी इज थ्रू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और योर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और थ्रू इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और एनी अदर आईटीसी जो ऊपर के चार टेबल्स में नहीं आ पाया वो फिफ्थ वाले पॉइंट में। बी वाले टेबल में वो ये बोलता है कि अगर कोई रिवर्सल ऑफ आईटीसी है आइदर थ्रू सेक्शन रूल 43 और 43 ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी रूल्स या उसके अलावा कोई रिवर्सल है तो आपको टेबल नंबर बी में दिखाना है। और अगर आपका कोई इनएलिजिबल आईटीसी रहा मतलब ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 17(5) तो वो आपका रिफ्लेक्ट करेगा इन द डी पार्ट, राइट। तो इसमें आपको करंट मंथ की इनपुट की डिटेल्स जो है वो दिखानी होती है। नेक्स्ट टेबल है टेबल नंबर 5 विच इज एग्जेम्प्ट नील एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाईज। यहाँ पे आपको करंट मंथ की परचेजेस दिखानी है बस। यहाँ पे सिर्फ इंटरस्टेट नहीं है तो इंटरस्टेट हो या इंटरस्टेट हो दोनों टाइप्स की जो आपकी सप्लाईज रहेंगी आइदर फॉर एग्जेम्प्ट नील रिलेटेड और नॉन जीएसटी उससे रिलेटेड परचेज अगर आपने कुछ किया है तो वो टेबल नंबर 5 में आपको शो करना है। तो दो टेबल सेल्स रिलेटेड थे, दो टेबल्स परचेज रिलेटेड थे। नाउ द टेबल नंबर 5.1 इज ऑन इंटरेस्ट एंड लेट फीस। अगर आपने टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करी या आपका पेबल आ रहा था इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो गया फॉर डिले इन रिटर्न फाइलिंग तो आपको 5.1 टेबल में अपनी लेट फीस और इंटरेस्ट की अमाउंट को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। द लास्ट टेबल विच अपीयर्स आफ्टर द फाइनल सबमिशन ऑफ द रिटर्न इज पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स का टेबल में आपको एक तो कैश लेजर दिखता है, एक आपका टोटल क्रेडिट लेजर। क्रेडिट लेजर में इट इंक्लूड्स योर करंट मंथ क्रेडिट, तो ओपनिंग क्रेडिट प्लस करंट मंथ का क्रेडिट वो आपका क्रेडिट लेजर बैलेंस में दिखता है। लास्ट टेबल में आपको जो भी आपने अमाउंट पे करनी होती है विच इज योर पेबल दैट गेट्स ऑटो फिल्ड बाय द पोर्टल और कितना आपने आईटीसी के थ्रू एडजस्ट किया है वो आपको यहाँ पे फिलेबल फॉर्म के थ्रू आएगा और आप जितना चाहे अपने कॉम्प्यूटेशन के अकॉर्डिंग इसमें से एडजस्ट करके फाइनल जो यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस है वो लास्ट में आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। सो दीज वर द 6 टेबल्स विच अपियर वाइल फाइलिंग ऑफ योर GSTR 3B। आई विल वेरी सून कम अप विद अ वीडियो इन विच आई बी डिस्कसिंग अबाउट द फाइलिंग ऑफ GSTR 3B आइदर थ्रू द ऑनलाइन मेथड और एन ऑफलाइन मेथड हुज लिंक आई विल ऑल्सो गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दिस टेबल ऑल्सो, राइट। ये जो अभी हमने टॉपिक किया है ये मेरी वेबसाइट में vnpracticaldestination.com पर GST पार्ट 1 में GST रिटर्न्स के टॉपिक में ये वाला जो इसके कंसेप्ट्स हैं इन टेबल्स रिगार्डिंग वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन विद मी यू कैन गो रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस फॉर द सेम। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।